सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का नाम है शिक्षा एवं समाज, यानी कि एजुकेशन एंड सोसाइटी। दोस्तों, हमारे समाज में विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, या फिर ये कहें कि शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिकता बच्चे आकर के यहाँ पर सीखते हैं स्कूल में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, सभी प्रकार के विषयों को पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, उनको खेल भी खिलाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई जाती है कि कौन कौन सी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई जाती है कि किस प्रकार से उनका क्या उत्तरदायित्व है और उन्हें किस तरीके से समाज में लोगों से बातचीत करनी है, कैसे समूह में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे अगर कोई ग्रुप वर्क मिलता है तो किस तरीके से उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों को नागरिकता का ज्ञान भी स्कूल में ही मिलता है। तो इस तरीके से जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो समाज का ही एक लघु रूप होता है, जहाँ पर बच्चे केवल और केवल विषय का ज्ञान नहीं लेते हैं, बल्कि वो स्कूल में आकर के सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करने की भावना, साथ ही साथ सभी प्रकार के भेदभावों को मिटा करके एक दूसरे के साथ बैठने की, एक दूसरे के साथ खाने की, तो इस तरीके से जो स्कूल होता है उसमें एक ही वर्ग के बच्चे नहीं आते, विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, विभिन्न वर्गों से आते हैं। किसी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, किसी के घर की उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो जब बच्चे अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग से आते हैं तो वो अलग अलग सोच लेकर के आते हैं, लेकिन जब विद्यालय में आते हैं तो कहीं ना कहीं वही बच्चे एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे से मित्रता करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, तो इस तरीके से समाज में समानता की भावना आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्कूल होता है ये वास्तव में समाज का ही एक लघु रूप होता है और यहीं पर आकर के हमारा असली जीवन स्टार्ट होता है और यहीं से कहीं ना कहीं सभी के जीवन की एक आधारशिला रखी जाती है। तो इस तरीके से जो आज का चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शंस हैं कामटे, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या फिर मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी, मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी पुस्तक की रचना की है या इन्होंने इसको लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन, डॉक्टर राधाकृष्णन, विवेकानंद या फिर ओटावे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यह तर्क है अरस्तु का, प्लेटो का, H.W. जोरबाग का या फिर के डेविस का। राइट आंसर है H.W. जोरबाग का। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कहते हैं कम्युनिटी, कम्युनिस, ये दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में समुदाय को हम कहते हैं कम्युनिटी, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों के योग से हुई है। आप में से सभी लोगों को पता है कि विद्यालय शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, विद्याधन आलय। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और ये विद्यालय का संधि विच्छेद भी है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा सामाजिक क्रांति की वाहक है, यह कथन है डॉक्टर
उमराव सिंह का, सोरोकिन का, शिक्षा आयोग का या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग का। यानी कि शिक्षा सामाजिक क्रांति की वाहक है, यह कथन है शिक्षा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक संरचना तथा इसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह कथन है सर जॉन्स, जॉन ड्यूबी, किंग्सले डेविस या फिर मैकाइवर एंड पेज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है समाचार पत्र, कंप्यूटर, पत्र पत्रिकाएं या फिर साहित्यिक पुस्तकें। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। देखिए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या फिर समाचार पत्र। दोस्तों प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है समाचार पत्र। समाचार पत्र कैसे मिलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होती है समाचारों की, तो इसलिए जो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है वो है समाचार पत्र। बाकी रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट ये सभी क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप इनको जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है राज्य, परिवार, समाज या फिर समुदाय। आप सभी को पता है कि शिशु की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन संचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों जन संचार के साधनों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि आप आगे भी ऊपर आपने देखा भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट मीडिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये जन संचार के ही साधन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हीं दो माध्यमों से हम क्या करते हैं? सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित स्वरूप से है, यह कथन है राइट का, जॉन ड्यूबी का, किंग्सले डेविस का या फिर मैकाइवर एंड पेज का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं, यह कथन है राइट का, गिडिंग्स का, किंग्सले डेविस का या फिर मैकाइवर एंड पेज का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिडिंग्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो कैसे ऑप्शन डी सही है? क्योंकि परिवार में जीवन व्यवहार की शिक्षा, जब बच्चा अनौपचारिक शिक्षा लेता है, जब स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा लेता है वो अनौपचारिक शिक्षा ही होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा में उसे बहुत सारी चीजें घर में सीखने को मिलती हैं परिवार के माध्यम से, जो उसके दादी दादा होते हैं बच्चे के घर में, इसके अलावा माता पिता, भाई बहन, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पारस्परिक सहयोग की भावना भी होती है, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना भी होती है, और जीविकोपार्जन की भी शिक्षा बच्चों को मिल जाती है। खासकर जिनके घर में बिजनेस होता है, उन बच्चों को शुरू से ही बिजनेस के बारे में समझ हो जाती है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन की भी शिक्षा मिलती है परिवार के सदस्यों के द्वारा बच्चों को। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिभावक सम्मेलन, माँ बेटी मेला एवं शिक्षा समिति की बैठकों के आयोजन का उद्देश्य होता है मनोरंजन, क्रय विक्रय की प्रक्रिया की जानकारी, समाज को विद्यालय से जोड़ना या फिर विद्यालय की भव्यता का प्रदर्शन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाज को विद्यालय से जोड़ना। क्योंकि जब अभिभावक आते हैं या माँ बेटी मेला होता है या इस तरीके से जब पेरेंट्स आकर के स्कूल में बच्चों के साथ किसी भी खेल के माध्यम से या फिर किसी भी बैठक के माध्यम से जुड़ते हैं, तो इस तरीके से जो समाज के लोग हैं जब वो विद्यालय से जुड़ते हैं, तो समाज और विद्यालय जब आपस में जुड़ते हैं, तो
बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, टीचर्स को भी ये समझाना आसान हो जाता है कि अगर आपका बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा है तो वो शिक्षा अच्छी ग्रहण कर रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, उसे सब कुछ फ्री मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपने गलती नहीं की है हमारे विद्यालय में बच्चे को भेज करके। और इसके अलावा टीचर टीचर का भी विश्वास बढ़ जाता है और टीचर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो समाज है उसको विद्यालय से जरूर जोड़ा जाए और निश्चित तौर पर अभिभावक सम्मेलन यानी कि पेरेंट्स मीटिंग हो स्कूल में, माँ बेटी मेला हो, जितनी भी बैठकें होती हैं इनसे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है बच्चों को और उनके माता पिता को भी ये लगता है कि हाँ हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है विद्यालय में और वो बहुत कुछ सीख भी रहा है स्कूल में जा करके। तो इसलिए बहुत जरूरी है समाज को विद्यालय से जुड़ना। और विद्यालय की भव्यता का प्रदर्शन या फिर क्रय विक्रय की प्रक्रिया की जानकारी, मनोरंजन, ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन मेन चीज जो होता है इसका ये यही होता है कि समाज को विद्यालय से किसी भी प्रकार से हम जोड़ें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्रता के संबंध में संबंध होते हैं और जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। यह कथन है राइट का, गिडिंग्स का, किंग्सले डेविस का या फिर ओटावे का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओटावे का। तो इस तरीके से आज यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है समाज एवं विद्यालय ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा यानी कि घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबा दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने सबसे पहले सभी विषयों की क्लासेस ली है, क्लासेस के बाद सभी विषयों के इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी विषयों को देख सकते हैं और इस विषय के भी आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस इस सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे और अच्छे से आप सभी विषयों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने हाथ से लिख करके नोट्स बनाया है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया भी है, पढ़ाया भी है। उसके बाद हमने फिर आप लोगों को सभी क्वेश्चंस भी लगातार आप लोगों को कराए हैं और लगातार आगे कराते हुए भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूला करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कॉलेज का जिसमें आप इसको भेज सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे कि ये किसी के भी काम का है ये वीडियो और इससे बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली आप जरूर भेजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। और निश्चित तौर पर दोस्तों जो भी यहाँ पर मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ या अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए आप लोग और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और दोस्तों आप लोग अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, इस समय बहुत जरूरी है और साथ ही साथ लगातार हमारे साथ ऐसे ही अपने सभी विषयों को पढ़ते हुए चलिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।